अपनी गली के बाहर वाली दुकान पर गई, राहुल भैया की दुकान, जहां से वो हर रोज सुबह दूध और ब्रेड का पैकेट। आज पूनम राहुल भैया की दुकान गई तो एक अजीब सा आवाज सुनी। आज राहुल भैया ने पूनम को गुड़िया नहीं कहा, पूनम कहा। पूनम को कुछ अजीब नहीं लगा, कोई बात नहीं होता होगा। पूनम ने सामान लिया और पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो राहुल भैया ने एक बार पैसे को पहले नहीं छुआ, धीरे से छुआ पूनम के हाथों। पूनम ने हाथ झटकर चुपचाप चली आई, किसी को कुछ नहीं कहा। अगर पूनम कुछ कहती किसी से तो ये कहानी मैं लिखता। कुछ दिन बीते, पूनम को सब फिर से सामान्य नॉर्मल सा लगने लगा। पूनम जिंदगी जीने लगी अपनी खुशी से इस गली। एक रोज पूनम बालों में दो चोटी किए कंधे में बसता और सामने मिक्की माउस वाला प्यारा सा थर्मस लेकर स्कूल से आ रही थी और पीछे से आवाज आई, पूनम तुम तो अब बड़ी हो गई हो। पूनम पीछे पलटी तो राहुल। पूनम राहुल भैया या राहुल? पूनम को सोच ही रही थी और राहुल उसके पास आया, उसके हाथ पकड़ा, बोला पूनम तुमसे प्यार। पूनम ने सुना और उसकी आंख से दो आंसू टिप टिप। राहुल पूनम का हाथ पकड़ कर खड़ा था और पूनम ने हाथ झटका और भागने लगी। बेतहाशा भागी, तब तक भागी जब तक उसे अपने घर का दरवाजा नहीं। आज शाम पूनम ने ना अपने भाई से कहानियां सुनी ना खाना। ये रात पूनम की रात थी और पूनम की रात में पूनम को ही नींद नहीं आई। पूनम सोचती रही कि ये लोग, मेरी गली के लोग पराए हो गए क्या? क्या ये समाज बदल रहा है? अगर अब राहुल भैया ने मुझे रोका तो मैं क्या करूंगी, किससे कहूंगी? और उस दिन फिर उसने किसी को कुछ रोज फिर भी दे। राहुल नहीं दिखा पूनम को। पूनम को लगा शायद वो एक मजाक था। उस दिन गुजरे, खुशी से गुजरे। पूनम स्कूल जा रही थी उसी तरह, बालों में दो चोटी, कंधे में बस्ता और सामने मिक्की माउस वाला प्यारा सा। पूनम जा रही थी, सामने से राहुल आया और बोला उसे प्यार कर। और एक बार फिर पूनम ने भागना स्टार्ट किया, बेतहाशा घर की तरफ नहीं, स्कूल के दरवाजे की तरफ। और तब तक भागती रही जब तक स्कूल का दरवाजा उसके सामने नहीं खुला। लेकिन इस बार पूनम के साथ कोई और भी स्कूल पहुंचा था। बता सकते हैं पूनम का डर, जो उस जगह से पूनम के साथ दौड़ता दौड़ता पूनम के स्कूल में पूनम की क्लास में पहुंच गया। उसके पास बैठा उसे कचोट रहा था। आज लंच में पूनम अपनी सहेलियों के साथ मैदान के बीच वाले पीपल में बैठकर बातें नहीं कर रही थी। खाना खाया नहीं था। पूनम ने बस अपनी क्लास में अकेले बैठकर बेतहाशा किताब के पन्ने को पलटती जा रही थी, पलटती जा रही थी और आंसू टेप टेप। किताब के बीच में पूनम को एक पन्ना दबा था। पूनम ने पन्ने को खोला तो एक कविता लिखी, शायद उसके भाई ने धोखे से कविता दबा दी पूनम की किताब में, या शायद उसका भाई कुछ बताना चाहता। पूनम ने कविता पढ़ना, उड़ने दो क्यों पंखों पर यूं घात लगाए बैठे हो, बहने दो पानी की तरह क्यों बांध बनाए बैठे हो, मैं नारी हूं, हाँ नारी हूं, कि धोखे जैसी भीड़ खड़ी हर गली बीच बाजारों में, निकलूं बाहर मुझ जाऊं मैं
छप जाऊं फिर अखबारों में, हवस भरी कुछ आंखें हैं, टिकती जो मेरी छाती पर, अब सर करो इंसान करो, देखो तुम धीरा कर, मैं नारी हूं क्या नारी हूं, मुझको न समझना आप दुर्बल, अरे पलट देख कुछ पन्नों को, मुझसे जन्मा संसार सकल, अपन पे जो दुशासन सुन, मैं हूं द्रौपदी कलयुग की, अब गिरधर को क्या ही बुलाऊंगी, खुद ही अब जल्दा तोड़ूंगी, खुद ही गदा उठाऊंगी, मैं नारी हूं हाँ नारी हूं, तो चले दो मछली की तरह क्यों जाल बिछाए हुए। पूनम ने कविता का पन्ना बंद किया तो पूनम को लगा जैसे उसके भाई ने अपने दोनों हाथ फैलाकर अपनी सारी ताकत पूनम के अंदर छोड़ दी हो। कविताएं कहानियां किससे यही तो करती आए ताकत देते, फिर चाहे मजाक की मोहब्बत हो या फैस का इनकलाब। पूनम का डर पूनम को पूनम स्कूल की छुट्टी के बाद फिर उसी तरह बालों में दो चोटी, कंधे में बस्ता और सामने मिक्की माउस वाला लेकर घर जा रही, और सामने से राहुल पूनम का डर बगल में खड़ा हो गया एक बार फिर, क्योंकि उसने देखा राहुल के हाथ में एक ग्लास जिससे सफेद धुआं उठ रहा था। उसका डर को हिला था और उसके आंसू एक बार फिर राहुल पूनम के सामने आया, बोला तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना तो ये ले। राहुल ने अपने हाथ को उठाया पूनम के चेहरे की तरफ और पूनम के हाथ में था उसका प्यारा मिक्की माउस वाला था। कुछ सेकेंड बाद पूनम ने थर्मस राहुल के हाथ में मारा और दोनों जमीन पर गिरे। 3 सेकेंड बाद पूनम को कुछ जलने की बदबू आई, पूनम ने अपने चेहरे को अपने हाथों को देखा तो उसे कुछ नहीं हुआ था और तब एक आवाज आई, क्या किया तुमने? तेजाब के कुछ छींटे राहुल के चेहरे पर, दोनों जमीन पर बेतहाशा बैठे। पूनम उठी और फिर भागी एक बार अपने घर की तरफ, और तब तक भागती रही जब तक उसे अपने भाई का चेहरा नहीं दिख गया। पूनम ने अब अपने भाई को सारी बात, उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर उसी जगह ले गया जहां राहुल लेटा हुआ चिल्लाता चीखता, लेकिन उसके पास थे गली के कुछ, एक घेरा बना हुआ था, बीच में राहुल चीख रहा था और साइकिल वाले अब्दुल भैया ने सबको सारी कहानी बता दी थी। पूनम ने अपने भाई से कहा, मैंने कुछ कर दिया है, शायद जल गया है, इसे क्या मैंने क्या किया, ये मारेंगे मुझे लोग, मुझे नहीं मारा। भाई ने पूनम का हाथ पकड़ा उसे आगे किया और पूनम छुप कर राहुल को देख रही थी, चिल्लाता राहुल कराहता राहुल, किसी ने हाथ तक नहीं दिया राहुल को उठाने के। रामेश्वर अंकल ने छुपी पूनम को देखा, आंसू गिराती राहुल को देख रहा, रामेश्वर अंकल ने पूनम का हाथ पकड़ा और सामने लाकर कहा, ये है हमारी गुड़िया, तालियां बजाइए इसके लिए। तो तालियां बजा रहे थे और पूनम खुशी से उसकी आंखें भर आईं, उसे लगा ये लोग तो मेरे अपने ही हैं।